उम्मीद तो थी जीत होगी, ये भी लगता था कि अच्छी जीत होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी ये कभी नहीं सोचा था भाई। मेरे पास कोई शब्द नहीं आपका धन्यवाद करने के लिए, आपकी जीत है। मेरा तो नाम मात्र था, मैं तो नामित था उम्मीदवार। जीवन के अंतिम सांस तक मैं इस विश्वास में कभी कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा, कभी इस विश्वास पे ठेस नहीं लगने। अरे इनको समझना चाहिए, 2024 है, जब लोगों ने आपको झटका दे दिया है, नहीं समझोगे तो आने वाले समय में लोग आपको अच्छी तरह समझा देंगे। मैं धन्यवाद तो क्या करूं, किन शब्दों से करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं आप सबका धन्यवाद कर सकता हूं। ये जीत आपकी जीत है, ये जीत आपके आशीर्वाद की जीत है, ये जीत आपकी मेहनत की जीत है। मेरा तो केवल, मैं तो नामित था उम्मीदवार, लेकिन ये एक ऐसा चुनाव देश के इतिहास में लिखा गया है कि इस चुनाव में अगर मेहनत करी तो आपने मेहनत करी, ये आपके आशीर्वाद की उस मेहनत की जीत है। और ये केवल अभी कह रहे थे जो है कि भाई दो महीने आपने, मैं दो महीने भी नहीं, पिछले पांच साल, जब पिछला नतीजा जब आया था, पिछले पांच साल से आपने दिन रात, आपके दिल में ये सोच रही कि भाई अगले इलेक्शन को कैसे जीता जाए, पांच साल आपने जो आशीर्वाद दिया, पांच साल आपने मेहनत करी। मैं समझता हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए, लेकिन आप मुझे समझते हो, मेरे को पहचानते हो, मेरी आंखों को आप समझते हो, मैं आपकी एक एक की आंखों को जानता हूं, भाई मैं कितना धन्यवाद कर रहा हूं आप अंदाजा लगा सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको, और दिल और आत्मा से मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जो ये विश्वास आपने व्यक्त किया है मुझे आशीर्वाद देकर, इतनी दिन और रात, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करके जो ये विश्वास आपने व्यक्त किया है, जीवन के अंतिम सांस तक मैं इस विश्वास में कभी कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा, कभी इस विश्वास पे ठेस नहीं लगने दूंगा। जितनी मुझ में क्षमता है, जितनी मुझ में मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी क्षमता से इस विश्वास को हमेशा बनाए रखूंगा। मैं ये आपको, आपके बेटे के नाते, आपके भाई के नाते, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं। मुझसे पूछते थे पत्रकार, पूछते थे कि भाई बीजेपी तो पूरी बीजेपी रोहतक लोकसभा सीट पे आ रही है, इनके मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, तीन पूर्व से पूर्व के अध्यक्ष अमित शाह जी, गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी, और चार चार मुख्यमंत्री, और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी स्वयं, तो ये कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर चार चार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, चार दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चार दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और हरियाणा के तो खैर यही मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी, तो ये इतने दिल्ली से इतने बड़े बड़े नेता सारे आ गए भाजपा के, आपके लिए कौन आएगा, कौन आपके लिए कौन आ रहा है। मैंने कहा मेरे लिए रोहतक के 36 बिरादरी के लोगों का प्यार आएगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद आएगा। मैंने मेरे कहते इनके स्टार प्रचारक ये हैं, कहे आपके लिए कोई, मैंने कहा मुझे इनके बोला इनके स्टार प्रचारक ये हैं, लेकिन आपका स्टार प्रचारक कौन है। मैंने कहा मेरे स्टार प्रचारक तो 36 बिरादरी के लोग हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वह स्टार प्रचारक है। अगर आपको नहीं दिख रहे तो हम कुछ कर नहीं सकते, नतीजे में आपको दिखेंगे। और आपने इतनी मेहनत करी, और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नतीजा आया, ये नतीजा भाई उम्मीद तो थी जीत होगी, ये भी लगता था
कि अच्छी जीत होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी ये कभी नहीं सोचा था भाई ना आप। और इतना दिल खोल के आशीर्वाद जो आप सबने आपकी मेहनत की वजह से, और ये मैं आपकी मेहनत को, मैं अपनी ये जो नतीजा ये जीत है ये मैं अपने सारे कांग्रेस के परिवार के, आपकी सारे कार्यकर्ताओं की, आपकी मेहनत को मैं अपनी जी ये जो जीत है ये समर्पित मैं करता हूँ आपकी मेहनत। इस जो नतीजा आया, नतीजे के कई मायने, देश की राजनीति पे, प्रदेश की राजनीति पे, हमारे क्षेत्र पे, इसके कई मायने हैं। सबसे पहले तो देश की राजनीति में दो शब्द मैं कहूंगा, उसके बाद अपने हरियाणा प्रदेश पे मैं आता। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा जनादेश आपने दिया है। आज ये जो जनादेश है इसकी भावना समझनी होगी, जो एक केंद्र की सरकार समझ नहीं रही। भाजपा के घमंड को देश में तोड़ने का काम आपने किया है, देश की जनता ने किया है। 400 पार के नारे को ध्वस्त करने का काम किया है। आज अल्पमत की सरकार बनी है दिल्ली में, जैसे अल्पमत की सरकार चल रही है चंडीगढ़ में, ऐसी अल्पमत की सरकार आज चल रही है दिल्ली में। वोट की चोट से देश के संविधान को, बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने का काम आपने किया है, देश के प्रजातंत्र को बचाने का काम किया है, देश के प्रजातंत्र में संतुलन लाने का काम किया, और देश को एक मजबूत विपक्ष आपने दिया है देश में। आज इस जनादेश में हो सकता है संख्या बल भाजपा के पास हो, लेकिन अगर नैतिक बल इस जनादेश ने दिया है तो देश के विपक्ष को नैतिक बल दिया है, ये मैं आज इस सरकार को कहना चाहता हूं। और यही कारण है, आपने देखा होगा जब एनडीए की बैठक आई पहली, तो आपने चेहरे देखे होंगे, एनडीए घटक दल के सभी नेताओं के चेहरे मुरझाए हुए थे। और जब इंडिया गठबंधन की बैठक आई, कांग्रेस पार्टी की बैठक आई, तो आपने देखा होगा सबके चेहरों पर चमक थी, सब एक दूसरे के गले मिल रहे थे, मिठाई खिला रहे थे। ये नैतिक बल की ताकत है, नैतिक बल बहुत करिश्माई है, नैतिक बल में बहुत बड़ा करिश्मा होता है। और सरकार की मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि इस जनादेश की भावना को केंद्र सरकार को समझना चाहिए। लेकिन पहले दो तीन दिन जो संसद में हमने देखा, इस जनादेश की भावना को केंद्र सरकार समझ नहीं पा रही। केंद्र सरकार उसी अलोकतांत्रिक तानाशाही कार्यशैली से कदम बढ़ा रही है जिससे 10 साल चल रही थी, जिसको जनता ने नकार दिया। केंद्र सरकार के जो आपने देखा होगा राष्ट्रपति अभिभाषण में हमने उसकी झलक देखी। राष्ट्रपति अभिभाषण में यह समझ में नहीं आ रहा था, जब राष्ट्रपति अभिभाषण हम सुन रहे थे कि कौन से सन का सरकार बनी है। राष्ट्रपति अभिभाषण की शुरुआत हुई जब महामहिम जी ने सरकार की जो अपनी तैयार कराई गई, जिस तरीके से उन्होंने बात अपनी रखी, तो पहली बात की संपूर्ण बहुमत से सरकार बनी। आप जानते हो अल्पमत की सरकार है। तब मुझे लगा कि शायद 2014 की जब मोदी सरकार बनी थी उस राष्ट्रपति अभिभाषण से कुछ पंक्तियां ले ली गई हो। उसके आगे बोला इमरजेंसी बहुत गलत लगी। मुझे लगा शायद 1977 की जनता की सरकार से कुछ पंक्तियां ले ली हों। अरे इनको समझना चाहिए 2024 है, जब लोगों ने आपको झटका दे दिया है, नहीं समझोगे तो आने वाले समय में लोग आपको अच्छी तरह समझा देंगे। इनको ये समझना चाहिए, हम इनसे कहना चाहते हैं। मगर जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन और देश के प्रजातंत्र की जय हो, आज हम ये कह सकते हैं ऐसा जनादेश आपने दिया। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा ने तो एक ऐसा जनादेश दिया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही। देश के 28 देश में 28 राज्य हैं, 28 प्रदेश, 28 प्रदेशों में अगर विपक्ष की इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा मत प्रतिशत 47.6% मत प्रतिशत एक प्रदेश में 28 प्रदेशों में आया है, तो वो दक्षिण के तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना या कर्नाटक में जहां हमारी सरकारें हैं वहां नहीं। अगर 47.6% अगर मत प्रतिशत एक प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा आया है 28 प्रदेशों में, तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर आया। मैं आपको बधाई देता और ये छोटी बात नहीं, हम 5 लोकसभा सीट जीते लेकिन उसके साथ साथ
भाजपा से 2% ज्यादा मत, हम 40 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है जो भाजपा से ज्यादा है, और 10 की 10 लोकसभा सीट और 90 के 90 विधानसभा हलकों में कोई विधानसभा हलका हरियाणा के अंदर किसी हरियाणा के किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में था, किसी भी जातीय समीकरण में था, हर विधानसभा हलके में कांग्रेस के मत प्रतिशत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और भाजपा के मत प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई। ये आपके जनादेश का भाव, हरियाणा के जनादेश का भाव, 90 के 90 में हर विधानसभा सीट में हमारी वोट बढ़ी है और भाजपा की वोट में 90 के 90 में गिरावट आई है। साफ साफ संदेश है, पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले हमारे मत प्रतिशत में 20% इजाफा हुआ, ये भी देश के अंदर रिकॉर्ड है। 1984 के बाद कांग्रेस को इतना मत प्रतिशत हरियाणा में मिला, 1984 के बाद। ये इतिहास एक साफ संकेत हरियाणा के लोगों ने दिया है, हरियाणा के लोगों ने साफ संकेत दे दिया कि आने वाला समय कांग्रेस का है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही संदेश आया है कि बीजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भांजी की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार आ रही है। लोगों ने साफ संकेत दे दिया कि आपकी सरकार, आपकी तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग दुखी हैं इस सरकार से, और लोगों ने भाजपा के एजेंडा को नकारने का काम किया। अगर रोहतक लोकसभा सीट का नतीजा अगर प्रतीक है किसी बात का, मैं आपको बधाई देता हूं, छोटा सा प्रदेश हरियाणा प्रदेश, और दूसरी बार देश की बड़ी जीतों में आपने अपना नाम अंकित कराने का काम किया। आपको याद होगा 2009 में देश की मैं दूसरी बड़ी जीत, आपका देश में सबसे बड़ी जीत आपकी हुई थी, और इस चुनाव में राहुल जी के बाद दूसरे नंबर की जीत आपकी जीत हुई, पूरे देश में जीत हुई। जब चुनाव शुरू हुआ था तो कई पत्रकार कहते थे कि रिपोर्ट ये आ रही है कि जी आप जीत रहे हो लेकिन फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो। मैंने कहा जीतना केवल हम चुनाव जीतने के लिए नहीं निकले, हम दिल दी जीतने के लिए निकले हैं। 9 के 9 हलकों में जीत हो, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में और 36 बिरादरी में हमें बढ़त मिले तो हमारी असली जीत होगी। और रोहतक लोकसभा सीट का जो नतीजा है ये बड़ी जीत है, इस बात का नतीजा परिणाम सभी बड़ी बात यह है कि पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हर जगह और हर वर्ग ने आपको आशीर्वाद दिया। विकास कुछ किया नहीं प्रदेश का, 10 साल भट्टा बिठा दिया लेकिन भाई को भाई से उलझाने का काम किया। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने बड़ी जीत दी, मगर उससे बड़ा संदेश दिया कि ये नकारात्मक राजनीति, भाई को भाई से भिड़ाने वाली राजनीति अब हरियाणा में नहीं चलेगी। हरियाणा में कुछ चलेगा तो आपस का प्यार चलेगा, भाईचारा चलेगा, हरियाणा में कुछ चलेगा तो सकारात्मक राजनीति की तरफ हरियाणा चलेगा। ये एक संदेश दिया और इस संदेश को लेकर पूरे प्रदेश में आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे पूरे प्रदेश को। संविधान तो बचा लिया आपने मगर लड़ाई बाकी है, संविधान को बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपने देखा जो संसद के अंदर हुआ वो भी आपने देखा, मगर अब हरियाणा को बचाने की बारी है। कल वर्ल्ड कप था, इंडिया तो जीत गया वर्ल्ड कप में, जीत गया कि नहीं जीत गया, शुभकामनाएं। वर्ल्ड कप में इंडिया तो जीत गया लेकिन इस भाजपा की नकारा सरकार से हरियाणा वालों की लड़ाई अभी चल रही है। इंडिया तो जीत गया लेकिन हरियाणा को भी जिताना अभी बाकी है बीजेपी की सरकार से। इस बीजेपी की सरकार से इंडिया तो जीत गया लेकिन हरियाणा भी जीतेगा कि नहीं जीतेगा। हरियाणा भी बीजेपी की सरकार को हराएंगे और हरियाणा को जिताएंगे, ये हमारा संकल्प है। बीजेपी की सरकार को हराएंगे और हरियाणा को जिताएंगे, हरियाणा ताकि दोबारा से खुशहाली के रास्ते पे आगे जाए, विकास के रास्ते पे आगे जाए, देश में हरियाणा की पहचान बने। जो दिल्ली के तीन तरफ बसा हुआ प्रदेश देश में सबसे आगे होना चाहिए, आज वो देश में सबसे आगे है तो बेरोजगारी में देश में सबसे आगे, महंगाई में देश में सबसे आगे, भ्रष्टाचार में देश में सबसे आगे, अपराध में देश में सबसे आगे, नशे में देश में सबसे आगे। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को ऐसी गलत में, बेरोजगारी गलत में इन्होंने धकेल दिया कि नौजवान कहीं बेरोजगारी से परेशान, डिप्रेशन में,
कहीं नशे की तरफ, कहीं अपना कई जिलों में घर बार बेचकर विदेश की तरफ डंकी के रास्ते जाकर, कहीं यूक्रेन और रशिया की युद्ध में हरियाणा के नौजवान कहीं जाने में मजबूर हो रहे हैं, कहीं अपराध की तरफ, कहीं नशे की तरफ ऐसी स्थिति आ गई। वो हरियाणा देश में आगे है तो हर वर्ग के अपमान में आगे है। किसान के साथ जो अपमान इस सरकार ने किया भुलाया नहीं जा सकता। 750 किसानों की जान चली गई। कर्मचारियों को जो अपमानित करके लाठीचार्ज इस सरकार ने किया भुलाया नहीं जा सकता। चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच, जिला पार्षदों पे जो लाठियां बरसाई भुलाई नहीं जा सकती। हमारी बेटियों के लिए, न्याय के लिए जब लड़ाई बेटियां लड़ रही थी, उनको जो अपमानित दिल्ली की सड़कों पर किया गया, हमारी खिलाड़ी बहनों बेटियों को भुलाया नहीं जा सकता। हर वर्ग को अपमानित करने में और सरकार के अहंकार में और जनता की अनसुनी करने में अब बता रहे हैं, चुनाव का झटका लगा तो बता रहे हैं पहचान पत्र कि हम योजना वापस लेने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अभी तो बहुत बहुत कुछ करेंगे। 10 साल से एक किसी गरीब को 100 गज का प्लॉट दिया नहीं, अब कह रहे हैं उस पर हम जो है 100 गज के प्लॉटों की जो योजना थी उस पर अभी तो बहुत कुछ कहेंगे। अब आप क्या कहोगे? जो कहेगी हरियाणा की जनता ही कहेगी। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को, अब आप क्या कहोगे? आप तो जो है, आपने तो जो करना था वो कर लिया, अब तो आप कहोगे और हम भी कहेंगे और जनता फैसला करेगी। जनता अपना फैसला करेगी, हरियाणा को आगे लेके जाने का काम करेगी। ये 3 महीने हैं। एक और मैं आपको बधाई दे रहा हूं और दूसरी ओर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 3 महीने, 3 महीने में पूरे प्रदेश में आपको और हमको, पूरे प्रदेश में एक एक जगह, कहीं आप जाओगे कहीं मैं जाऊंगा, जैसे लोकसभा चुनाव में जो आपने चुनाव, कहीं यहां मैंने संभाला तो कहीं आपने संभाला और मुझसे ज्यादा आपने संभाला। कई साथी तो सुबह मेरे उठने से पहले आते थे और मेरे को सुलाने के बाद जो है मैं सो जाता था, तब भी जाग रहे होते थे। तो आपने ज्यादा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहो, अगर आपका आशीर्वाद हो तो ये संदेश लेकर हरियाणा परिवर्तन के लिए प्रदेश के कोने कोने में, आप कहो तो मैं जाऊं प्रदेश के कोने कोने के अंदर, हरियाणा को आगे लेके जाने की लड़ाई लड़ने का काम कर। आपका आशीर्वाद हो। आपने देखा कि आपके नतीजे की गूंज केवल हरियाणा प्रदेश ही नहीं, आज दिल्ली में भी आपके नतीजे की गूंज सुनाई दी। पहले दिन जब लोकसभा का जब शपथ ग्रहण, पहले ही दिन आपके नतीजे की गूंज सुनाई दी कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। जय संविधान, मैं पूछना चाहता हूं, जय संविधान से इतनी क्या किसी को तकलीफ हो सकती है? ये देश संविधान से चलता है, ये संसद भी संविधान से चल रही है, ये वो संविधान है जहां हर वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है, ये वो संविधान है जहां हर नागरिक के अधिकारों को प्रावधान दिया गया है। जय संविधान बोलने पे तो संसद के परिसर में खुशी होनी चाहिए। ये वही संसद का परिसर है जहां पे संविधान की रचना हुई और मुझे गर्व है कि संविधान बाबा साहब के नेतृत्व में जब संविधान बना, उस संविधान सभा में और उस संविधान पे जब हस्ताक्षर करने की, ओरिजिनल कॉपी पे हस्ताक्षर करने की बारी आई, तो बाबा साहब के नेतृत्व में जब संविधान पे हस्ताक्षर किए गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद जी के साथ साथ चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी उसी संविधान पे दस्तखत पंके थे। तो जब सह संविधान बोला गया तो उस महान सदन के सम्मानित आसन की ओर से टोट टिप्पणी हुई तो मुझे लगा कि इस पूरे सदन में कम से कम एक कोई ऐसा सदस्य जरूर हो जो ये कहे कि जय संविधान बोलना तो खुशी की बात है, इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं उठ के खड़ा हुआ और मैंने कहा, और विनम्रता से, पूरी शालीनता से मैंने यही कहा कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए सर, इससे मैंने ये कहा। वो सही कहा कि गलत कहा? सही कहा कि गलत कहा? उसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं, उसका फैसला मैं माननीय आसन पे भी छोड़ता हूं, ते मैं उसका फैसला आप पे छोड़ता हूं कि वो सही कहा कि गलत कहा। मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूं सरकार को, मैं सरकार को बताना चाहता हूं, ये देश जय जवान जय किसान
जय संविधान का देश है, इसको जय धनवान का देश नहीं बनने देंगे, ये मैं कहना चाहता। ये देश जय जवान का, जय किसान का, जय संविधान का और जय नौजवान का देश है। इसको जय धनवान का देश नहीं बनने देंगे, इसको ऐसा देश नहीं बनने देंगे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शपथ समारोह हो रही हो दिल्ली में, पहली पंक्ति में बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हों, अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े समूह के उद्योगपति बैठे हों, और पांचवी पंक्ति में देश के सेना के प्रमुख बैठे हों, छठी पंक्ति में देश के तीन तीन सेना के प्रमुख बैठे हों, ऐसी व्यवस्था जो इस बार देखी, ऐसी व्यवस्था हम देखेंगे तो हमें जनादेश लोगों ने दिया है, ईमानदारी से, शालीनता से, विनम्रता से लड़ेंगे, लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे, लड़ाई अपनी लड़ेंगे, ये हम कहना चाहते। तो ये तो भाई आधी लड़ाई जीत गए, देखो एक बात कही थी, आधी लड़ाई लड़े, एक बात कही थी कि भाई ये वाया क्या कहा था, वाया दिल्ली, क्या कहा था, वाया दिल्ली। तो भाई ये एक लड़ाई, देखो भाई आपने देखा जब पिछली सरकार बनी, लोग पिछली बार दुखी थे बीजेपी से 2019 में, सरकार नहीं चाहते थे, 75 पार का नारा था, 40 पे गाड़ी रुक गई, फिर जेजेपी ने समर्थन दे दिया, जिस जेजेपी ने नारा दिया कि अब की बार जमुना पार, बीजेपी को करो जमुना पार, उन्होंने लोगों ने तो कर दी थी बीजेपी ने को जमुना पार, उन्होंने जमुना पार से बीजेपी को ढूंढा, जमुना में डुबकी लगाई, नलाया धुलाया, चंडीगढ़ में सरकार बना दी। मगर उस समय हमने एक बात कही थी, हरियाणा कोने कोने में जाकर, उस समय उचाना में जाकर मैंने एक जनसभा करी थी, आपको याद होगा, और फिर उसके बाद सिरसा में भी करी थी, और उचाना में जाकर मैंने एक बात कह दी थी कि मैं चुनौती देता हूं, इन्होंने जनता के साथ, अपने मतदाता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, कुछ मूल्य और कुछ आदर्शों पे टिका रहना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने मतदाता के साथ इतना विश्वासघात कर दिया, आने वाले समय में किसी एक हरियाणा की सीट से इनकी जमानत बचने की परिस्थिति नहीं होगी। और आपने देखा वही हुआ, आपने देखा वही हुआ, हरियाणा में दो तरह के मुकाबले हुए लोकसभा में, भाजपा का और कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस आगे रही, और दूसरा मुकाबला हुआ नोटा का और जेजेपी का और इनेलो का, यही हुआ ना, नोटा का इनके साथ मुकाबला हुआ। और आज भी हम कहना चाहते हैं, कल आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित जी शाह, कल पंचकुला में आए थे, और मैं अखबार पढ़ रहा था, आज अखबार में यह आया कि वो कह रहे थे, उन्होंने राहुल जी की तुलना करी उन्होंने तारे से, कि वो तारा है, और मेरी तुलना करी सितारे से, कि भाई ये सितारा है, और कहा कि भाई तारा और सितारा नहीं चलेंगे। कल उन्होंने कहा, वो कल आए थे पंचकुला आके, उन्होंने आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि ये चलेंगे नहीं। मैं बताना चाहता हूं, जो सर्वविद ज्ञान है, ये भाई ब्रह्मांड का ऐसा नियम है जिसको ना आप बदल पाओगे ना हम बदल पाएंगे, चमके तो तारा और चारे और सितारे तो चमकते ही रहेंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं, तारे और सितारे तो चमकते ही रहेंगे। तो इसमें मगर मैं उनको कहना चाहता हूं, जो मैंने जेजेपी को कहा था, एक सीट से जेजेपी की जमानत नहीं बचेगी, तब हमने ये कहा था, और मैं इनको कहना चाहता हूं, आपने भी हरियाणा को रास्ते से भटका दिया, आज हरियाणा को आज ने ऐसा चौपट राज दिया, विकास की पट्टी से उतार कर हरियाणा को आज आपने बर्बादी के रास्ते पे लेके गए। आज आपको भी चुनौती देना चाहते हैं हरियाणा के लोगों के माध्यम से, लोकसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, बिहार भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, इनके तमाम नेतृत्व को कहना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में लोगों ने बीजेपी को किया हाफ, विधानसभा में कर देंगे साफ, मैं इनको चुनौती देना चाहता हूं भाई, ये चुनौती दे दें इनको, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, इसमें आपका आशीर्वाद भाई। अब एक काम करेंगे, यहां बैठेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, यहां इस छोटे वाले उसमें दो चार कुर्सी लगाकर आप आते जाना, एक एक मिलते जाना, जल पान खाने की आज जो है, क्योंकि भाई आज थोड़ी छोटी मोटी पार्टी देने का मेरा भी हक था भाई, तो भाई जल पान खाने की व्यवस्था है जो है अपना भाई, आप वो भी ग्रहण करना, उसके लिए भी मैं, और भाई मिलके जाना भाई, बिना सुनो भाई, एक बात है सुनो भाई,
जो कोई कोई लेट हो गए, मुझे पता है आपको आगे भी काम है, मुझे सारी बात पता है, मगर भाई बिना मिले मन आ जाइयो, भाई मिलके जाइयो, चाहे एक मिनट मिलके जाइयो, आते जाइयो मिलके, मेरा सबसे मिलने का मन है। बहुत बहुत धन्यवाद।